छोटी सादड़ी उपखंड के ग्राम पीलीखेड़ा में मौजूद है बुलबुला महादेव का मंदिर। यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। दूर दराज से भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और महादेव को जल अर्पण करके उनकी मुरादें पूरी होती है। देखिए सीटीवी के लिए छोटी सादड़ी से संकेत वया की खास रिपोर्ट। छोटी सादड़ी उपखंड मुख्यालय की ग्राम पंचायत पीलीखेड़ा में स्थित बुलबुला महादेव, जो छोटी सादड़ी मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। कहते हैं कि आस्था तन मन में हो तो पत्थर भी पानी में तैरते हैं। कुछ इसी तरह का नजारा यहाँ भी देखने को मिलता है। यहाँ दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और भोलेनाथ भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ बुलबुला महादेव के रूप में भोलेनाथ स्थित है। महादेव का शिवलिंग पानी के बीचों बीच मौजूद है। भक्त अपनी मनोकामना शिव जी के ऊपर जल चढ़ाकर मांगते हैं। माना जाता है कि यदि मनोकामना पूरी होने होती हो तो बुलबुले उठने लगते हैं। बुलबुले उठने पर भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह अरावली पर्वत की हरी भरी वादियों में स्थित है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा देखना भी अद्भुत है। यह मंदिर सीता माता वन्य अभयारण्य में स्थित है। टीवी की टीम पहुंची है फंड नदी छोटी साड़ी से 20 किलोमीटर दूर अरावली की पर्वतमाला और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित एक चमत्कारी स्थान जो है बुलबुला महादेव का। बुलबुला महादेव छोटी साड़ी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ भक्त आते हैं और यहाँ भक्तों की मनोकामना महादेव पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है जो भी यहाँ अपनी कोई मन्नत लेकर आता है और भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाता है और बुलबुले पानी में से उठते हैं तो यहाँ भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ प्रति सोमवार और महाशिवरात्रि और सावन के महीनों में भक्तों का यहाँ टाटा लगा रहता है। बुलबुला महादेव भक्तों की मनोकामना बुलबुलों के माध्यम से पूरी करने का संकेत देते हैं, तो यहाँ दूर दराज से भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। यहाँ वर्ष भर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। सावन के महीने में यहाँ पर खासी भीड़ रहती है। वहीं प्रति सोमवार को भी यहाँ भीड़ देखने को मिलती है। वैसे तो यहाँ प्रतिदिन जमावड़ा भक्तों का लगा रहता है। नमस्कार है यहाँ, और यहाँ नार भी आते हैं और रेस भी आते हैं, भगवान भी आते हो तो आते होगा क्योंकि नार तो आते हैं यहाँ, और समझकारी होते हैं और अच्छे जानवर बोलते हैं, मोर बोलते हैं, ऐसा समझकार होते हैं। आप कहाँ से आई हैं, कहाँ से आए हैं और बताइए कि स्थान के बारे में, आप बताइए क्या चमत्कार है स्थान के। हम बड़ी शादी तहसील गांव मुकंदरा से आए हैं और यहाँ ट्यूबवेल करवाने का बहुत ही महत्व है और जो अरदास लेके आते हैं उसके बुलबुले फूटते हैं, यहाँ चमत्कारी स्थान है। इस वजह से मैं भी सुन के यहाँ पर आ जाया हूँ सोमवार के स्थान, और प्रकृति की गोद में बसा हुआ भोलेनाथ का मंदिर यहाँ बहुत ही चमत्कारी है। बुलबुला महादेव भक्तों की श्रद्धा एवं आस्था का एक प्रसिद्ध केंद्र है। दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। यहाँ वर्ष भर पानी भरा रहता है। गर्मी के दिनों में भी यहाँ भरपूर पानी रहता है। यहाँ तीन कुंड बने हुए हैं। इन तीनों कुंड की अलग अलग मान्यता है। एक कुंड में स्नान करते हैं, एक कुंड का पानी पीने के लिए काम में लेते हैं, तो एक कुंड पानी भक्त हाथ पैर धोने के लिए काम में लेते हैं। इन कुंडों में पानी वर्ष भर भरा रहता है। सीटीवी के लिए छोटी सादड़ी से संकेत वया की रिपोर्ट। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जो प्राचीन गुफाओं में अरावली की पर्वत श्रृंखला के बीच में अवस्थित है, और यहाँ पर जो भी हम मनोकामना पूरी लेकर आते हैं वो पूरी होती है। पहले भी आए, पूरी हुई है, और यहाँ पर विशेष तौर जो नया बोर करवाते हैं उसकी वहाँ की मिट्टी लेके वहाँ यहाँ पर आते हैं। अगर वहाँ पर पानी हो कितने फुट गहरा है तो उसके लिए भोलेनाथ बुलबुला देते हैं। इससे हमारा पूरा आशीर्वाद बना रहता है और काम भी पूरा होता है। मजा आया जी। मैं बड़ी सादड़ी पार्सली से।